बागपत में त्योहारों के मद्देनजर चल रही चेकिंग के दौरान पुलिस और क्राइम ब्रांच की दिल्ली के माफिया डॉन नीरज बवाना गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बवाना गैंग के दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि उनका तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश नीरज बवाना के लिए शराब तस्करी का कारोबार करते थे। रिटेलिटरी फायरिंग में दो लोग घायल हुए, इसमें एक और व्यक्ति था जो भाग गया है। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बात पता चली कि ये लोग हरियाणा की जो शराब है उसकी तस्करी बागपत और अन्य जिलों में करते थे। गाड़ी में से 18 पेटी शराब हरियाणा मार्का बरामद भी हुई है। इसमें एक व्यक्ति है यूसुफ। इससे प्रथम दृष्टया पूछताछ में आया है कि ये नीरज बवाना गैंग के लिए काम करता है।